जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने जो काम किया था आप लोग को वो सब क्लियर है? कल हमने अवेयरनेस सेट जनरेट करना सीखी थी कि हम उसमें कैसे सारी ऑप्शंस जो है वो सेट उनकी सेटिंग कैसे करते हैं, तो वो सब वो पूरी आप लोगों ने सेटिंग वगैरह की, आपको समझ आ गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, आज हमने ना लीड जनरेशन ऐड बनानी सीखना है। हमने देख रहे हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस होती हैं और ये हम बनाते क्यों हैं, लीड जनरेशन के ऐड हम रन क्यों करते हैं, ये हमने देखना है। ठीक है, तो ये लीड्स होती क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो भी हाई टिकट बिजनेसेस हैं जिन्हें थोड़ी महंगी चीज़ सेल करनी है, तो उनसे वो चीज़ कोई भी कस्टमर जो है ना जस्ट वेबसाइट पे देख के वैसे ही बाय नहीं करता, उसके लिए वो पहले थोड़ी कन्वर्सेशन करता है कस्टमर। जब वो कन्विंस हो जाता है कि ये चीज़ उसके लिए बेस्ट है तो फिर वो चीज बाय करता है। तो उसके समटाइम्स तो ये होता है कि वो कस्टमर जो है ना मतलब फिजिकली इस चीज को देखता है, उसके बाद वो चीज जो है ना परचेज करता है। तो इसके लिए लीड जनरेशन की एड रन की जाती है, उसमें लीड्स कलेक्ट की जाती है। लीड्स असल में क्या होता है कि आपके जो कस्टमर है ना उसका डाटा, जिस डाटा के थ्रू आप कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हो और उसे अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हो और उसको कन्विंस कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो वो डाटा फोन नंबर्स की फॉर्म में होता है या ईमेल्स की फॉर्म में होता है, और वो डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, या तो वो हम एक फॉर्म के अंदर फिल करवा लेते हैं अपने जो भी कस्टमर है उसे, एक फॉर्म उसको शो करवाते हैं, उस फॉर्म के अंदर उसका नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वगैरह कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी जो है ना वो फिल करवा लेते हैं, या हम वो उसका जो डाटा है वो मैसेंजर के थ्रू से ले सकते हैं या फिर फोन कॉल्स के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, और लीड्स कुछ कोई भी ऐसा डाटा है जो कि आपके लिए जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अपने कस्टमर से और जिसके थ्रू आप उसको कन्विंस कर सकते हो कि आप जो उसको प्रोडक्ट दे रहे हो या जो सर्विस दे रहे हो वो उसके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ईमेल एड्रेस की फॉर्म में या फोन नंबर की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जिससे आप उससे कॉन्टेक्ट कर सको। तो अब हम फिलहाल यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके लीड जनरेशन के फॉर्म जो एड है ना वो हम क्रिएट करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है ना लीड्स, अभी हमने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करना है कि हम क्यों कैंपेन रन कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम लीड्स जनरेट करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लीड्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे लीड्स में हमने देखा था कि फोर जो सब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि हम इंस्टेंट फॉर्म की इंस्टेंट फॉर्म शो करवाएं और उसके जरिए से लीड्स को गेट करें, या मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे अपने जो जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करें और उनसे वहाँ पे डाटा उनका कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज हैं हम इन मुख्तलिफ तरीकों से अपना जो कस्टमर है ना उसका डाटा हम गेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लीड्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने जो अपनी कैंपेन सेट करनी है उसको आपने यहाँ पे रिकमेंडेड सेटिंग से बनाना है या मैनुअल सेटिंग करनी है। रिकमेंडेड सेटिंग ये होता है कि फेसबुक जो होता है ना आपकी, जैसे मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताई और मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन और रिजर्वेशन में से आपने ऑप्शन चूज करना है ज्यादा, तो इसी तरह फेसबुक को भी जो है ना आपको पहले से कुछ सेटिंग्स करके दे देता है उस कैंपेन में जो उसको लगता है कि करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लोगों को आते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि फेसबुक ने जो आपको सेटिंग्स कुछ करके दी हुई है आप उनको यूज करके अपनी कैंपेन रन कर लो, या फिर आप अपनी मैनुअल सेटिंग्स खुद से करो। फिलहाल मैं आपको मैनुअल सेटिंग करना सिखाऊंगी क्योंकि इसमें सारी ऑप्शन जो है वो आपको समझानी है, तो फिर ही आप जो है ना, क्योंकि जब भी आप कोई काम करें ना डायरेक्टली फेसबुक पे नहीं छोड़ना, वो काम आपने पहले खुद करना, उसकी टेस्टिंग करनी है, और जो कैंपेन्स हमने अपने खुद से 2 वीक्स तक जो है ना मैनुअली सेट करके चलानी होती है। जब एक मतलब आप चला लेते हो फिर फेसबुक के बाद पास आपके जो ऑडियंस है उसका डाटा चला जाता है, फिर फेसबुक को समझ भी आ जाती है कि आपकी बेस्ट ऑडियंस कौन सी है, तो फिर फेसबुक उस लिहाज से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट आके देगा जब आप 2 वीक्स चलाने के बाद अपनी कैंपेन को ऑटोमेशन पे लगाओगे। ठीक है, तो डायरेक्टली फेसबुक पे नहीं आपने उसकी रिकमेंडेड सेटिंग पे नहीं जाना, पहले हमने मैनुअल सेटिंग करनी है अपनी कैंपेन के मुताबिक। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 लेवल्स है, जैसे हर एक कैंपेन में ना वैसे मोस्टली सेटिंग्स वही हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव 6 पढ़े हैं ना, इनमें जितने भी आप ऑब्जेक्टिव्स में जिस भी ऑब्जेक्टिव में जाएंगे सब में वही होगा, पहले कैंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट और एंड में एड लेवल। और जब हम इसके अंदर जाते हैं ना तो
कैंपेन लेवल्स पे भी ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम ही आती हैं, और कुछ ऑप्शंस अब जो है ना ये एड सेट लेवल पे जाके या एड लेवल पे जाके कुछ चेंजेस आती हैं उनमें, तो वो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लीड जनरेशन के केस में क्या चेंजेस आ रही हैं। अच्छा सबसे पहले ये देखें कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज हैं। अब आप देखें मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सिनेरियो इस टाइम क्या है। इस जैसे मैंने आपको बताया था कि लीड जनरेशन की जो एड्स है ना वो मोस्टली रियल स्टेट के बिजनेस में रन होती हैं। रियल स्टेट मीन्स कि वो लोग जो अपने प्लॉट सेल करना चाहते हैं या हाउसेस सेल करना चाहते हैं या रेंट वगैरह पे देना चाहते हैं ना, तो वो वाली एजेंसी जो है ना वो अपनी उस केस में लीड जनरेशन की एड्स को रन करती हैं, क्योंकि कोई भी उनकी वेबसाइट से जस्ट प्लॉट या हाउस की पिक्चर देख के उसको नहीं परचेज करेगा, बल्कि वो चाहेगा कि वो पहले कॉल पे बात करें, आप उनको कन्विंस करें उस चीज पे कि वो उनके लिए बेस्ट है, वो एरिया उनके लिए बेस्ट है, जिस एरिया में वो हाउस है वहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज मिलेंगी जो उनको चाहिए। और फिर जब आप उनको कन्विंस करेंगे कि वहाँ पे सारी के फैसिलिटीज भी मौजूद हैं जो उन्हें चाहिए, यानी जैसे गैस वगैरह या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है उन एरियाज में, या स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज हैं उन एरियाज में, उस एरिया में जहाँ पे हम आपको प्लॉट शो करवा रहे हैं, तो जब आप उनको फोन कॉल्स के थ्रू कन्विंस कर लोगे उसके बाद फिर वो उसको विजिट करेंगे। आप जो वैसे तो जाहिर है कि अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई भी अगर देखना भी विजिट करना चाह रहा है, तो वो पहले तो वो ये कहेगा ना कि मुझे फोन कॉल के थ्रू ही पता चल जाए कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो फिर ही वो जाके विजिट करेगा, अदरवाइज ये तो नहीं कि आप जो है वो एजेंट्स किसी भी जगह पे उन्हें बताएं और वो पहुंच जाए वहां पे फौरन देखने। किसी के पास इतना टाइम नहीं है आजकल के दौर में, तो वो पहले फोन कॉल के थ्रू उन्हें कन्विंस किया जाता है, फिर वो विजिट करते हैं। अगर तो उन्हें लगे कि ये ठीक है, बेस्ट प्लेस है जहाँ पे हमें ये शो करवा रहे हैं हाउस वगैरह या प्लॉट वगैरह, तो फिर वो वहाँ जाके विजिट करते हैं। और विजिट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों ने विजिट किया है, तो उसमें से आप सोचे कितने लोग जो है वो परचेज करना चाहेंगे, 5 या 10 लोग ही परचेज करना चाहेंगे, और वो भी उनमें से 5 या 10 में से भी परचेज एक दो ही करेंगे, ठीक है। तो वो ये सब ये सारा जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से गुजरने के मतलब इसके लिए ना जो रियल स्टेट के लोग हैं वो लीड्स को कलेक्ट करते हैं। लीड्स मीन डाटा कलेक्ट करते हैं ऐसे लोगों का जो कि इंटरेस्ट रखते हैं प्लॉट को से परचेज करने में, प्लॉट या फिर हाउसेस वगैरह जो है ना उनको उनके अंदर उनको इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी में उन्हें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जाहिर है कि उनकी वेबसाइट से ये फॉर्म वही, या फिर अगर एड रन कर रहे हैं तो एड से भी ये फॉर्म वही शख्स ही फिल करेगा जिसको इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में या फिर प्लॉट्स वगैरह में या जो ये लेना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए वो पहले ये वाली एड्स को रन करते हैं, लीड जनरेशन के एड को, मतलब वो खुद तो रन नहीं करते, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से ही कांटेक्ट करते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज वाले ही उनकी एड्स को रन करते हैं। और वो एजेंसीज वाले जो हैं उनकी एड रन करने के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो चूज करते हैं ना वो लीड जनरेशन का होता है, ठीक है। तो अब ये आपने यहाँ से ये देखना है कि लीड जनरेशन के ऑब्जेक्टिव में जो लीड्स की जनरेशन है ये किस कैटेगरी में जा रही है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ये हाउस जो रियल स्टेट के लोग हैं वो मेनली हाउसेस ही सेल कर रहे होते हैं, या हाउसेस बनाने के लिए प्लॉट सेल कर रहे होते हैं, तो ये हाउसिंग की कैटेगरी में जाएगा ना, तो हम इसके लिए से हाउसिंग की कैटेगरी को चूज कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपने ये बताना है कि आपने किस कंट्री में अपनी से एड को रन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फिलहाल तो पाकिस्तान में ही एड को रन करेंगे, तो ये पाकिस्तान को ही रहने देते हैं सिलेक्टेड। इसके बाद बाइंग टाइप में हमने देखने के ऑप्शन या रिजर्वेशन में से आपने कौन सी टाइप जो है वो चूज करनी है, तो आपने ऑप्शन ही रहने देना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो हम पहले ही चूज कर चुके हैं लीड, वो पहले से ही इधर शो हो रहा है। इसके बाद आ रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट। ये मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, हम मुझे कोई बच्चा बता सकते हैं कि क्या है? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या होता है एडवांटेज कैंपेन बजट, और इसे हमें ऑन करना चाहिए या नहीं स्टार्ट में, ठीक है। एक मतलब मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें जो एडवांटेज कैंपेन बजट है वो ये होता है कि जब हम कैंपेन लेवल पे जो बजट दे देते हैं अपनी कैंपेन के ऊपर, कि हम सारे एड सेट के ऊपर टोटल बजट कितना लगाएंगे वो हम कैंपेन लेवल पे दे दें, तो उसे एडवांटेज कैंपेन बजट कहते हैं। और फिर फेसबुक उस बजट में से हर एक एड सेट को डिवाइड करके स्टार्ट फर्स्ट डे पे इक्वल इक्वल बजट असाइन करता है, और फिर सेकेंड डे पे वो देखता है कि किस एड सेट की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, तो सेकंड डे पे उस एड सेट को ज्यादा बजट असाइन कर देता है, और जिसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही फर्स्ट डे
उसको बहुत कम बजट असाइन करता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो एडवांटेज कैंपेन बजट है ना, ये आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट नहीं करना। स्टार्टिंग में आपने एड सेट लेवल के ऊपर बजट देना है, और फर्स्ट 14 डेज तक आपने टेस्टिंग करनी है खुद से बजट दे के एड सेट लेवल पर, ठीक है। और भी उसके बाद आपने ये एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन करना है, क्योंकि उसके बाद फेसबुक को पता चल जाएगा कि कौन से ऑडियंस से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं 2 वीक्स में, तो फिर फेसबुक उन पर ज़्यादा आपका बजट जो है ना वो लगाएगा, ठीक है। तो शुरू में आपने इसको ऑफ ही रखना है। और उसके बाद AB टेस्टिंग भी मैंने आपको कहा था कि हम मैन्युअली ही करेंगे, इसको भी यहाँ से आप ऑफ ही रखें। मैन्युअली करना ज़्यादा ईजी भी है, ठीक है। तो हम मैन्युअली अगर तो हमने कुछ भी कोई भी टेस्टिंग करनी है, अगर हमने फॉर एग्जांपल कंट्रीज की बेस पे टेस्टिंग करनी है कि किस कंट्री के अंदर ज्यादा मेरी ज्यादा अच्छी मतलब किस सिटी के अंदर ज्यादा अच्छी सेल्स आ रही हैं, या फिर किस ऑडियंस से ज्यादा अच्छी सेल्स आ रही है, तो उसके लिए हम उतने ही एड सेट्स बना लेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा हम मतलब अगर हमने 3 डिफरेंट ऑडियंसेस पे टेस्ट करना है तो 3 एड सेट बना लेंगे, अगर 2 पे टेस्ट करना है तो 2 एड सेट्स बना लेंगे, ठीक है। तो वो हम मैनुअली खुद से AB टेस्टिंग कर लेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ से AB टेस्टिंग को ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे एड सेट लेवल पर। अच्छा, ये देखिए एड सेट लेवल पे आपने उसको ये बताना है कि कन्वर्जन की लोकेशन क्या आपने रखनी है, मीन्स आपको लीड्स किस जगह से आपने लेनी है। अगर तो वेबसाइट से लेनी है, वेबसाइट पे से हम लीड्स कैसे लेते हैं कि जो उनसे वेबसाइट के ऊपर हम जब भी कस्टमर को हम अपनी एड शो करवाते हैं ना, तो हम उसके एड के ऊपर जब फॉर्म फिल करने का जो बटन होता है, जब उस पर कोई कस्टमर क्लिक करता है ना, तो हम उसके बटन के बैक साइड पे हम जो लिंक लगाते हैं ना, उस पेज का लगाते हैं जिस पेज पे हमने अपने कस्टमर को लैंड करवाना है, ठीक है। तो उस पेज के ऊपर आपने एक फॉर्म हम फॉर्म एक लगा देते हैं, और जब वो कस्टमर क्लिक करके उस पेज पे जाता है, तो वो उसके सामने एक फॉर्म शो होता है, तो वो वहाँ पे वो फॉर्म फिल करता है और उसको सेव कर देता है, तो आप डाटा जो है ना कस्टमर का आपके पास वहाँ से आ जाता है। तो अगर तो आपने चाहते हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू लीड्स को जनरेट करवाएं, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी आप वेबसाइट के थ्रू आप किसी का डाटा, अपने कस्टमर्स का डाटा लेना चाहते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू लेना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और ये तब भी करेंगे ना जब आपके पास वेबसाइट है। अगर वेबसाइट नहीं है किसी भी पर्सन की कंपनी की फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट नहीं है, तो फिर वो इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी डाटा ले सकते हैं अपने कस्टमर्स का। अब इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू जब वो डाटा लेना होगा, तो आप जो ऐड है ना उसके ऊपर जो बटन है क्लिक कर, जैसे कोई क्लिक करेगा तो फौरन उन्हें एक फॉर्म ओपन होगा उनके सामने, और उस फॉर्म के अंदर उनसे डाटा मांगा होगा कि अपना नेम दे दें, अपना फोन नंबर, या मतलब कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। तो जैसे ही वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसे सबमिट करेंगे, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आप उन लोगों को उस इन्फॉर्मेशन में, जिन जिन लोगों ने आपको लीड फॉर्म्स दिए हैं ना, उन सबको कॉल्स कर सकते हो, और फिर उनको अपनी कोई भी सर्विसेज के बारे में, या जो न्यू प्लॉट प्लॉट आए हैं उनके बारे में बता सकते हैं, या न्यू हाउसेज के बारे में, ठीक है। लेकिन ना इसमें टाइम बहुत ज्यादा करता है, मतलब टाइम की बहुत ज्यादा अहमियत है, कि अगर आपको एक लीड सुबह का टाइम आई है ना, तो आप ये नहीं करो कि इसको 2 दिन के बाद आप उन लीड्स के ऊपर रिस्पॉन्स करो, बल्कि जैसे ही आपको कोई लीड आई है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह आई है, तो आप कोशिश करो कि उसी दिन डे टाइम के अंदर अंदर आप उनको रिस्पॉन्ड करो, उनको कॉल करो, और उनसे मतलब इंटरेक्ट करके आप उनसे बात कर ले। क्योंकि जो आपके कस्टमर होते हैं ना, जिस टाइम वो इस तरह से डाटा वगैरह फिल कर रहे होते हैं, उस टाइम वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं उस चीज के अंदर, और जब वो हम बहुत ज्यादा देर कर देते हैं, तब तक वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो चुके होते हैं, और उस टाइम उनका जो इंटरेस्ट लेवल है ना, वो ड्रॉप हो चुका होता है। तो इसलिए जो इंस्टेंट फॉर्म, जैसे ही कोई आपको लीड्स मिले, तो उसको जितनी जल्दी हो सके ना, उन लीड्स के थ्रू आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट कर लें। और अगर फॉर एग्जाम्पल रात के टाइम लीड्स मिले, तो सुबह के टाइम कॉन्टेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम मैसेंजर के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं लीड्स, और मतलब जो कस्टमर है वो आपसे चैट बॉक्स के अंदर आपको अपने
आपसे कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकता है, तो आप फिर उनको चैट बॉक्स में ही कन्विंस कर लोगे अपनी चीज किसी भी प्लॉट वगैरह या हाउस के बारे में। इसके अलावा इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप लीड्स ले सकते हैं, वो भी इंस्टाग्राम के चैट चैट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कॉल्स के थ्रू आप लीड ले सकते हो, मतलब कोई भी आपको कॉल करेगा और आप उससे उसे अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी एप्स बनाई होती है, ठीक है। तो वो जैसे कोई ऐप ओपन करता है ना, तो उस ऐप के ऊपर उन्हें फॉर्म वगैरह शो होता है और लोग वहां से यानी उसको रजिस्टर वगैरह करने के लिए अपनी कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें, तो वहां से लोग जो है ना लीड जनरेट हो जाती है और फिर उस इंफॉर्मेशन के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उन्हें। तो आज हम फिलहाल क्योंकि हम वेबसाइट पे काम नहीं कर रहे, हमारे पास इस टाइम कोई वेबसाइट नहीं है किसी भी रियल स्टेट के वगैरह की, तो इसलिए बाकी जो है मैसेंजर इंस्टाग्राम पे कैसे आपने करना ये सब तो इजी काम है, कि आपने जस्ट बटन लगाना है मैसेंजर का या फिर यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगा देना है, तो वो इजी है। तो फिलहाल एक जो है इंस्टेंट फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, अपने कस्टमर को कैसे शो करवाएंगे इंस्टेंट फॉर्म, कि वो हमें एक फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन हमारे दे, फॉर्म हमने पूरा खुद डिजाइन करना होता है, उसमें क्वेश्चंस भी हमने खुद से ऐड करने हैं, इसके अलावा अपने इमेज भी खुद ऐड करना है अपनी एजेंसी के बारे में कोई भी अच्छा सा बनाकर। तो इसलिए हम फिलहाल ना एक इंस्टेंट फॉर्म बना लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह से इंस्टेंट फॉर्म वाली एड रन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से ना हमने फेसबुक पेज को सिलेक्ट करना है जिस पेज के ऊपर मतलब आपका जो एजेंसी, हमारा नहीं, फॉर एग्जांपल जिस भी रियल स्टेट की हम ऐड रन कर रहे हैं ना, तो उनका जो फेसबुक पेज है ना हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल तो हमने अपना ही कोई भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको ही फिलहाल रहने देंगे। अब नेक्स्ट देखें। अच्छा ये देखिए, परफॉर्मेंस गोल में ना टू गोल्स आते हैं, एक आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, यानी गोल का मतलब कि आपने जो ये जो एड रन किया ना इसका मकसद क्या है। तो आप या तो आपको इसका मकसद ये होगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करवानी है, और दूसरा मकसद ये हो सकता है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। अब कन्वर्जन लीड्स का क्या मतलब है कि कुछ लोग होते हैं वो जस्ट फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन वो उन्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज को बाय करने में, ठीक है। और कुछ होते हैं जिनका ये काम होता है कि वो ज्यादातर, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो मतलब जो काफी जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो एक जगह पे प्लॉट ले लेते हैं या फिर हाउस परचेज कर लेते हैं, और फिर जब 1 ईयर या 2 ईयर के बाद वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है उसे सेल कर देते हैं, और फिर किसी यानी प्रॉफिट उसमें से कमाते हैं अर्न करते हैं और फिर किसी और जगह पे प्लॉट या हाउस लेते हैं। मतलब उनकी ये हॉबी होती है, वो बस ये मतलब वो अपने रहने के लिए भी इतना नहीं ले रहे होते जितना वो ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ले रहे होते हैं। तो फेसबुक जो है ना लोगों के इस बिहेवियर को नोट कर रहा होता है कि कौन जो है ना वो ये वाला काम ज्यादा कर रहा है, कि वो मतलब जो अगर तो वो कॉन्टेक्ट करता है तो वो उससे परचेज भी करता है, तो वो वाले लोग जिनकी इंफॉर्मेशन आती है लीड्स की फॉर्म में और फिर जब उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता है तो वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं, मतलब वो परचेज भी कर लेते हैं। उनका जो डाटा है ना, उनकी जो वो वाली जो लीड्स है उनको कन्वर्जन लीड्स कहते हैं, ठीक है। यानी वो वैल्यूएबल लीड्स हैं जिनके थ्रू आपको कन्वर्जन भी आएगी, यानी चांसेस बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स पे करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो आपसे कॉन्टेक्ट तो करेंगे, मतलब फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि उनमें से वो सबके सब जो है वो आप जब आपने कॉल करे तो वो सबके सब आपके से वो विजिट करने भी आए या फिर आपसे आपको इंटरेस्ट शो भी करें, ठीक है। स्टूडेंट्स मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करती हूँ, अभी मैं मीटिंग जो है ना वो लीव करने लगी, 1 मिनट रह गया, ठीक है। हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट हमने किया था कि हम अपनी एड के थ्रू जो भी हमारी ऐड को देखेगा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने एक इंस्टेंट फॉर्म ओपन हो और वो फॉर्म में अपना डाटा एंटर करे, ठीक है। तो अब हम इसके नीचे वाले जो बाकी ऑप्शन है हम सबको भी फिर पहले सेटअप करेंगे, उसके बाद जो फॉर्म की सेटिंग है ना, फॉर्म जो फॉर्म हम किस तरह से जनरेट करना है वो सारा एड लेवल पर आएगा, सेकंड लेवल थर्ड लेवल जो है ना एड लेवल, यहाँ पे हम जाके फॉर्म जनरेट करेंगे। सॉरी ये मेरी एड दूसरी ओपन हुई है, जो हम बना रहे थे एड में वही ओपन करती हूँ ये वाली, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए हमने वो वाला पेज सेलेक्ट करना है, उस कंपनी का मतलब उस एजेंसी का पेज सेलेक्ट करना है जो जिसके हम एड रन कर रहे हैं, ठीक
तो फिलहाल तो मैंने अपना पेज ही सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हम किसी एजेंसी के एड रन नहीं करें, हम जस्ट सिस्टम सेटअप करना सीख रहे हैं एड को, एड कैंपेन का। इसके बाद हमने गोल सेलेक्ट करना है, इसमें मैंने आपको दो गोल्स बताए थे, एक मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स और दूसरा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। कन्वर्जन लीड्स मैंने आपको बताया कि वो वाली लीड्स होती है ये जिनका कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी लीड्स आपके जो कस्टमर है उनका डाटा होता है कि उनके फोन नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल वगैरह, ठीक है। तो अब वो लोग जिनका कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा है, मीन्स के जिन लोगों का ज्यादा चांसेस है कि वो आपसे आपकी सर्विसेज लेंगे या आपसे आपके कोई भी प्रोडक्ट बाय बाय करेंगे, इस चीज का चांसेस ज्यादा है, उनकी उनका जो डाटा है ना उसको कन्वर्जन लीड्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाला डाटा चाहिए, क्योंकि ये डाटा हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, बजाय इसके कि हम बहुत ज्यादा सारे लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास आ जाए और उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो उनका इतना इरादा ना हो उस चीज को खरीदने का, ठीक है। तो ये सब कुछ फेसबुक को लोगों के बिहेवियर से पता चलता है कि कौन से लोग हैं जो ज्यादातर रियल एस्टेट के लोगों के जो एड्स हैं उनके ऊपर क्लिक करके अपना डाटा दे रहे होते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि डाटा देने के बाद जब उन्हें कॉल वगैरह की जाती है तो वो सेल भी करते हैं उनसे, वो चीज सॉरी परचेज भी करते हैं वो चीज, तो वो उनके बिहेवियर से देखता है। तो जिन लोगों का ये बिहेवियर है कि वो लोग अपना डाटा देते हैं, लीड जनरेट करते हैं, तो उसके बाद जब उन्हें कॉल की जाए या उनसे कॉन्टेक्ट किया जाए तो वो लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ परचेज भी कर लेते हैं, तो वो वाले लोगों का डाटा हमें फेसबुक ला के देगा अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स को सिलेक्ट करेंगे तो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कन्वर्जन कम आती है इसकी निस्बत जो अगर हम ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स को सिलेक्ट करें, लेकिन क्योंकि ये वैल्यूएबल कन्वर्जन लीड्स है ना ये वाली वो लीड्स है जिनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, ये हमारे पास कम भी आए और चाहे ये महंगी भी आए दूसरी वाली लीड्स की निस्बत, लेकिन ये हमारे पास वैल्यूएबल होंगी, ये कन्वर्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और ये वाली जो कन्वर्जन लीड्स है वैसे ये थोड़ी महंगी पड़ती आती भी है दूसरी सिंपल लीड्स की निस्बत, लेकिन अगर हम वैसे टोटल कॉस्ट फाइंड करें कि अगर जो कन्वर्ट होने के जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो सब जो जो ज्यादा लीड्स में भी कन्वर्ट होंगे ना वो भी ऑलमोस्ट उतने ही होंगे जो कम लीड्स में कन्वर्जन लीड्स में कन्वर्ट हुए, तो इसलिए हमें ये वाला गोल ही सिलेक्ट करना है, गोल को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हेन यू आर चार्ज्ड, यानी फेसबुक हमसे पूछ रहे हैं कि आप कब हम फेसबुक को चार्ज करेंगे, पैसे देंगे, तो हमारी एड एक शख्स को जितनी दफा भी शो होगी उतनी दफा हमें फेसबुक को पैसे दे रहे हैं, या फिर आप इसको एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो लीड्स वाली जो एड है इसमें हमें इसी ऑप्शन पे मतलब फेसबुक को इम्प्रेशन पे ही चार्ज करना है। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि एक एड एक शख्स को कितनी मरतबा शो हुई, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का एक पेज है उसके ऊपर किसी भी पर्सन को यहाँ पे ऐड शो हुई, अब वो स्क्रॉल करके नीचे चला गया, ठीक है, अब नीचे जाके उसे दोबारा से वो तो ऊपर किया और दोबारा से वो ऐड देखी, तो ये उसके दो मरतबा उसने देख ली, अब जितनी मरतबा वो देखेगा ना स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके उतने इंप्रेशन काउंट हो गए, ठीक है। तो जितने इंप्रेशन क्रिएट हो उतनी हमें फेसबुक को उस लिहाज से पैसे देने होंगे, ठीक है। इसके बाद डिलीवरी टाइप है स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी का मतलब ये होता है कि फेसबुक जो है ना वो आपकी जो एड है उसके पैसे जो आपने एड के ऊपर अपना बजट सिलेक्ट किया हुआ है ना, कि फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट करते हो कि मैं 2000 रुपीज वन डे में लगाऊंगा लीड जनरेट करने के लिए, क्योंकि लीड्स की एड थोड़ी महंगी चलती है, पहले जैसे हमने अवेयरनेस की एड देखी थी हमने 360 रुपीज पर डे बजट लगा दिया था तो उससे हमारा काम चल गया था, वो रीच अच्छी मिल जाती है 360 रुपीज में भी, लेकिन जो लीड्स होती है ना ये थोड़ी सी महंगी आती है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि एक लीड 100 रुपीज की आ गई, अगर जो कन्वर्जन लीड्स है ना वो थोड़ी महंगी आती है तो वो 100 रुपीज की आस आ जाती है, तो इसलिए हमें बजट थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है 1000 या 2000 में, ठीक है, वन डे का बजट, ठीक है। तो अब ये जो आप ये भी तो देखे ना कि ये जो लीड्स की एड है ये उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जिनके बिजनेसेस बहुत बड़े हैं और जो इतनी महंगी चीजें सेल कर रहे हैं, आप देखिए एक फ्लोर जो है वो इतना कुछ सस्ता 1000s में तो सेल आउट ही रहा होता है, बहुत महंगा सेल आउट होता है, और इसपे जो रियल स्टेट वाले वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट रख रहे होते हैं, अब उस प्रॉफिट में से अगर वो ये वाले लीड्स जनरेट करवाने में थोड़ा सा अपना अलग से एक्सपेंस रख लेंगे मार्केटिंग का, तो उनको इससे नुकसान नहीं होगा बल्कि ये उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा, तो इसलिए वो जो रियल स्टेट वाले हैं या ये जो हाई टिकट आइटम सेल आउट कर रहे हैं
वो लोग यहाँ पे लीड जनरेशन के एड्स को रन करवा लेते हैं, और क्योंकि उनको अगर ये एक लीड 100 पीस में भी पड़ गई तो उनको महंगी नहीं लगेगी, क्योंकि वो 100 पीस की, अगर उन्हें 1000 पीस की 10 लीड्स मिली और 10 लीड्स में से फॉर एग्जाम्पल वन वन भी कन्वर्ट हो गई है ना, तो उस वन से भी वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, तो 1000 रुपीज में अगर उन्होंने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया तो उनके लिए काफी बेटर ऑप्शन है ये। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो अपना बजट लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लगाया एक दिन का 2000 रुपीज बजट, ठीक है। तो अब यहाँ पे फेसबुक ये करता है, ये नहीं करता कि आप बहुत स्पीडली आपके ऐड को जो है ना ऐड के ऊपर बजट स्पेंड करता है, डे के स्टार्ट में उसने 2000 रुपीज जो है ना पूरे के पूरे लगा दिए और एंड में लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बल्कि वो स्लोली स्लोली बजट को लगाता है कि पूरे जो मतलब आपका जो टाइम पीरियड है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना कि मैंने इतने टाइम तक अपनी ऐड को रन करना है, उस पूरे टाइम के अंदर वो उसको क्विकली आपका बजट लगाने की बजाय आपका बजट जो है ना स्लोली लगाता है, और फिर आपको उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर कॉन्स्टेंटली लीड्स ला के दे रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है ना डिलीवरी टाइप यानी आपकी जो एड है ना वो डिलीवर हो रही है एक बहुत ज्यादा स्पीड में भी नहीं, मतलब नॉर्मल स्पीड में लोगों को डिलीवर हो रही है, नॉर्मल स्पीड में ही आपको कन्वर्जेंस लीड्स भी ला के दे रहा है फेसबुक। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए डायनेमिक क्रिएटिव है। डायनेमिक क्रिएटिव मैंने आपको कल भी बताया था कि इस क्रिएटिव होता है कि आपको जो जब आप फेसबुक पे कोई भी एड देखते हैं ना तो वो जो एड आपको शो हो रही होती है वो मेनली क्रिएटिव होता है। उस एड के अंदर आपको क्या क्या चीजें शो हो रही होती है, एक एड का इमेज शो हो रहा है, उसके अलावा उसका प्राइमरी टेक्स्ट, उसके ऊपर एक बटन शो हो रहा होता है जिसके ऊपर क्लिक करके आप कोई एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो उस एड के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट और उसका हेडलाइन वगैरह और इमेज, ये सब कुछ चीजें मिला के एक एड बनती है, तो ये सब कुछ चीजों को, इन सबको हम क्रिएटिव कहते हैं। यानी क्रिएटिव के अंदर इमेज भी शामिल है, हेडलाइन भी, प्राइमरी टेक्स्ट भी, और एड के ऊपर जो बटन लगा हुआ है वो भी शामिल है। ठीक है, तो अगर हम क्रिएटिव डायनेमिक सॉरी डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन कर देते हैं तो इसका ये फायदा होता है कि फेसबुक जो है ना आपने जो अपनी प्राइमरी टैक्स दिया है, जब हम यहाँ पे ना देखिए ये एड लेवल के ऊपर जाकर प्राइमरी टैक्स देते हैं ना, तो इसमें एक से ज्यादा प्राइमरी टैक्स ऐड करने की ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी टैक्स नीचे एक बॉक्स में नहीं, यहाँ पे आप एक ऐड करेंगे प्राइमरी टैक्स और ऐड अनदर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड टैक्स भी ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी, मतलब आप यहाँ से मोर देन वन प्राइमरी टैक्स ऐड कर सकते हो, और इसी तरह से आप हेडलाइंस भी मोर देन वन इसको दे सकते हैं, ऐड मोर ऑप्शन, ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करके। तो जब आप यहाँ पे से पे क्लिक करके एक से ज्यादा प्राइमरी टैक्स देंगे या एक से ज्यादा हेडलाइंस फेसबुक को दे देंगे ना, तो फेसबुक क्या करेगा कि आपने जो अपना इमेज दिया हुआ है ना उस इमेज के साथ कुछ लोगों को एक प्राइमरी टैक्स और एक हेडलाइन लगा के वो दिखाएगा, और कुछ लोगों को दूसरा प्राइमरी टैक्स और दूसरी हेडलाइन लगा के वो दिखाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा ये होता है कि अब फेसबुक टेस्ट करता है कि कौन से वाली प्राइमरी टैक्स या कौन से वाली हेडलाइन से लोग ज्यादा अट्रैक्टिव है, और उनको पढ़ के लोगों ने ज्यादा लोगों ने उस पर रिस्पोंड आपको रिस्पोंड किया है, यानी आपको अपना डाटा दे दिया है, तो फिर नेक्स्ट टाइम फेसबुक वो वाला प्राइमरी टैक्स और वो वाली हेडलाइन ज्यादा लोगों को शो करवा देता है। ठीक है, तो डायनामिक क्रिएटिव का मतलब ये है कि फेसबुक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगा के आपका जो क्रिएटिव है ना उसको मुख्तलिफ उसकी वेरिएशंस डिफरेंट क्रिएट करके लोगों को दिखाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है, या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ ले, जी बाकी बच्चे भी मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दे, अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज कर दे, अगर क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। चले अब मैं आगे चलती हूँ, मोस्टली बच्चों ने क्लियर कर मैसेज किया मुझे। अब देखिए यहाँ पे ना यहाँ से हम अपना डेली बजट ऐड करेंगे, कि हमने एक डे के अंदर कितना हम बजट लगा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो लीड जनरेशन है ना इस पे थोड़ा सा आपको बजट ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो आप एटलीस्ट 2000 बजट तो वन डे का लगाओगे ही। ठीक है, और स्टार्टिंग डेट जो है देखिए आज तो 31 है, तो हम नेक्स्ट डे से एड स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट डे के स्टार्ट से तो हम यहाँ पे 1 अगस्त कर देते हैं। ठीक है, सपोज अब 1 अगस्त को 9 बजे से एड रन करना शुरू करेंगे। ठीक है, और एंड डेट हम यहाँ से क्लिक करके करेंगे तो यहाँ पे एंड डेट की ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल हमें एड जो है ना हम 4 दिन के लिए रन कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगी तो ये 4 4 तक रहा, सॉरी जुलाई नहीं, जुलाई तो
गुजर जाएगा तब तक, 4 अगस्त तक, ठीक है। और जिस टाइम में हमने स्टार्ट की थी ना 4 जुलाई को भी, हम उसी टाइम पे ही इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बजट स्केड्यूलिंग, ये मैंने आपको कल बताया था कि आप कुछ, अगर तो आपको लगता है ना कि आपके बिजनेस, आपके जो बिजनेस है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक डेज है जिनपे ज्यादा अच्छी सेल्स आ रही है आती है, या कुछ स्पेसिफिक डेज है जिनपे ज्यादा लोग आपको अपना डाटा देते हैं, जैसे संडे में के दिन लोग फ्री होते हैं तो वो ऑनलाइन शॉपिंग भी ज्यादा कर रहे होते हैं, और संडे के दिन वो लोग इस तरह की वेबसाइट यानी एड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड भी ज्यादा करते हैं और ज्यादा अपना डाटा भी दे देते हैं। तो आप उस खास दिन के अंदर अपना बजट इंक्रीज कर सकते हो कि इस दिन मैं ज्यादा बजट लगा लूँ ताकि मेरे पास ज्यादा लीड्स आ जाए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्टार्ट अपना टाइम बता देंगे कि मुझे इस दिन से स्टार्ट करना है, इस दिन तक मतलब तो मुझे ज्यादा बजट करना है, और किस कितनी अमाउंट आपने इंक्रीज करनी है, इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज आप एक दिन पे बढ़ा रहे हैं या 1000 रुपीज बढ़ा रहे हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। और अगर तो आप यहाँ पे देखें एड स्केड्यूलिंग का ऑप्शन आ रहा है, वैसे ही मैंने आपको कल सारे ऑप्शंस बताए थे, यही ऑप्शंस अवेयरनेस के ऐड में भी थे ना, कल जब हमने अवेयरनेस के ऐड रन करना सीखी को सेटअप करना सीखा था, तो ये मोस्टली यही ऑप्शंस थे, अवेयरनेस ऐड में भी मौजूद थे, ठीक है। तो मैं आज ये जस्ट रिवीजन ही हो रही है, थोड़ी सी इसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे लीड इसके एड लेवल पे, तो यहाँ पे एड इंस्टेंट फॉर्म बनाना होगा जो एक न्यू चीज आएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ कि अब थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि कैसे हमने दोबारा से वो करना है सारा काम, ठीक है। अच्छा ये देखिए शेड्यूल, जो एड स्केड्यूलिंग है ना इसमें आप ये शेड्यूल कर सकते हो कि आप अपने जो एड है ना, जैसे हमने पहले ऊपर जब ऊपर स्केड्यूलिंग की तो हमने कंटिन्यूअस डेज में लगाया कि इस डेट से स्टार्ट करके इस डेट तक हमने अपनी एड को शो करवाना है, और अगर आप चाहो कि पूरे कंटिन्यूअस डेज में मतलब कंसेकटिव डेज में अपनी एड रन नहीं करनी बल्कि आपने कुछ स्पेसिफिक डेज में एड रन करनी है, तो आप यहाँ से उसको स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से, अच्छा ये जो एड्स का जो है ये तब हमें वो इसके ऑप्शन देता है जब हम यहाँ से लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ डेली बजट सिलेक्ट किया ना कि एक दिन का मैं 2000 लगाऊंगी, अगर मैं यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट कर लूँ, लाइफ टाइम का मतलब होता है कि अगर हमने जितने भी दिन ऐड चलानी है उतने दिनों में आप टोटल बजट कितना लगाओगे, ठीक है। तो अगर हमने एक दिन का 2000 लगाया तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर 8000 करोगे बजट अपना, टोटल बजट आपने यहाँ पे देना, लाइफ टाइम बजट होता है तो टोटल जो आप लगाओगे जितने दिन भी आप ऐड चलाओगे इतने से ज्यादा दिनों के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से लाइफ टाइम बजट को कर दोगे तो फिर यहाँ पे एड स्केड्यूलिंग की जो ऑप्शन है ना वो आपको मतलब एक्टिव हो जाएगी, आप यहाँ से एड स्केड्यूलिंग कर सकते हो। अच्छा अब आप यहाँ भी शेड्यूल कर सकते हो कि अपनी ऐड अपने किन किन डेज में चलानी है, ठीक है, और किस किस टाइम में, फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे को रन करनी है तो आप उसको अपने ऐड को मंडे को 12 से लेके 12, 1 और 2 बजे चलाना चाहते हो या फिर 3, 4 और 5 बजे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से ना अपना टाइम टाइम्स को सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने इस दिन चलानी है और इस टाइम पे भी चलानी है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि मोस्टली लोग जो है ना सुबह के टाइम अपने वर्किंग प्लेसेस पे होते हैं और उस टाइम वो इतनी ज्यादा फेसबुक यूज नहीं कर रहे होते, और शाम के टाइम वो घर होते हैं और शाम को ज्यादा वो यूज करते हैं ना, तो हम फिर जो शाम की टाइमिंग्स आ रही है ना हम वो वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि हम संडे के डे को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर ले कि वो सुबह से लेके शाम तक पूरे के दिन ही आप हमारी ऐड चलाए, ठीक है। तो हम यहाँ से इस ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं। अच्छा अब यहाँ से देखिए लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान में एड रन करनी है तो हम यहाँ पाकिस्तान ही रहने देंगे, और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक से ज्यादा सिटीज में रन करनी है और हमने टेस्ट करना है कि किस सिटी से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना, तो फिर हम यहाँ पे लोकेशन को यहाँ पे ना एडिट करके यहाँ से पाकिस्तान रिमूव करके लाहौर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से लाहौर सर्च करेंगे, लाहौर पंजाब पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक एड सेट जो है ना हमने लाहौर में शो करवाना है, और हम सेकंड एड सेट बना लेते हैं वो हम टेस्टिंग के लिए कि हम किसी और सिटी के लिए बनाते हैं, और फिर हम बाद में जब एड रन हो जाए उसके बाद हम ये देखें कि हमारे हमें किस सिटी से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, किस सिटी से ज्यादा लोगों ने कॉल हमें अपना डाटा दिया और ज्यादा लोगों ने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन मतलब उस डाटा पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें, ठीक है। तो हम सेकेंड वाले में जाकर सिटी को चेंज कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम इस वाले पे थे।
और हम एज जो है ना, हमने ये देखना है कि किस एज के लोग ज्यादातर कुछ बाय मतलब फ्लावर्स या हाउसेस बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो इतने ज्यादा यंग पीपल है जो 18 इयर्स की एज में, वो तो बाय इस चीज में मतलब उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, वो तो ये काम नहीं करेंगे। तो मोस्टली 25 से अबव एज के लोग जो है ना, वो लोग इस काम ये काम करते हैं कि वो फ्लोर्स या हाउसेस परचेज करते हैं। ठीक है, तो हम 25 से 65 प्लस की एज को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जेंडर्स में हम मेन और वीमेन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे कि दोनों ही को ही एड हमने शो करवानी है, क्योंकि दोनों में से कोई भी हमसे परचेज कर सकता है। इसके अलावा डिटेल टारगेटिंग जो है, इसमें हम दे यहाँ पे अपनी जो ऑडियंस है उसके ड्रेस वगैरह बता दें, ये बिहेवियर। अब देखिए, जो लोग हाउसेज में इंटरेस्ट रखते हैं ना, देखिए हाउसेज यानी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग ही हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, हमारी एड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए कुछ ना, जैसे जो बहुत फेमस रियल स्टेट की जो वेबसाइट्स है ना, उनके उनके स्पेसिफिक नेम्स हैं, यानी एजेंसीज के नेम्स हैं। तो जो लोग एजेंसीज को ज्यादा विजिट कर रहे होते हैं, इनकी वेबसाइट्स को ज्यादा विजिट कर रहे होते हैं, इसका मतलब वो उसमें इंटरेस्टेड भी है। जैसे zameen.com है, तो जो लोग zameen.com को बहुत ज्यादा विजिट करते रहते हैं, इसका मतलब कि वो लोग प्रॉपर्टी को परचेज करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट है zameen.com में, हम उनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब हम दो तीन ऑब्जेक्टिव यहाँ सिलेक्ट कर लेना, तो इसके बाद देखा अगर यहाँ से ना फेसबुक आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से सजेशन देने लग जाता है, तो हम इन सजेशन में से भी कुछ चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वो लोग जिनके इंटरेस्ट है अपार्टमेंट में या प्रॉपर्टी में, हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग यानी वो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी को के ऊपर, यानी खरीदते हैं और फिर जब उनको थोड़ी महंगी हो जाती है उसको फिर बेच देते हैं, फिर न्यू खरीदते हैं, इस तरह से, तो हम उसको भी कर लेते हैं। ये जिनका प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी फाइंडर्स हैं, उनको भी हम टारगेट करेंगे। ठीक है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, और जिनका रेजिडेंशियल एरिया प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, हम उनको भी ऐड करेंगे। ठीक है, लैंड्स एंड हाउसेस में जिनका इंटरेस्ट है वो ऐड कर लिए, और जिनका न्यू हाउसेस में इंटरेस्ट है वो भी हमने ऐड कर लेंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से आप यहाँ से बहुत सारी आपको ऑप्शंस होगी, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने उसके लिए हाथ से, कि आप देख जो मतलब आप आपकी जो इस टाइम आप एड रन कर रहे हैं ना, उस पे कौन से ऑडियंस जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए आप यहाँ से ना सिलेक्ट कर सकते हो। और आप जितने ज्यादा इंटरेस्ट डालोगे ना, उतनी ज्यादा ऑडियंस का साइज बढ़ेगा। अब यहाँ से अगर आप इंटरेस्ट कम करते जाओगे, साइज कम हो जाएगा। ये देखिए इस साइड पे ना, ये ऑडियंस का साइज वो बता रहा होता है कि अब आपकी ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक है, या फिर नॉर्मल आपकी ऑडियंस है, या फिर ब्रॉड है। ब्रॉड का होता है कि बहुत ज्यादा ऑडियंस हो गई है। जब मतलब आपकी ऑडियंस थोड़ी ज्यादा होगी तो लोगों का रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, कि आपकी एड बहुत ही कम लोगों को शो हो रही है, तो जाहिर है वो फिर थोड़े से लोगों में से रिस्पॉन्स को देगा, बहुत कम लोग देंगे ना। तो इसलिए हमारा ऑडियंस का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और हमें इसलिए यहाँ से मैक्सिमम जो इंटरेस्ट है ना हमारी ऑडियंस के हो सकते हैं, जो वो सारे हमने चूज करने होते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ से अब हम लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस लैंग्वेज के जानने वाले लोगों को अपनी एड शो करवाना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान में हम अगर शो करवा रहे हैं, तो हम जस्ट उन लोगों को शो करवाना चाहते हैं जो उर्दू उर्दू जानते हैं या इंग्लिश, या तो हम इसलिए यहाँ पे सारी ही लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस को ही रहने देंगे। तो पाकिस्तान में जितनी भी लैंग्वेजेस जानने वाले लोग हैं, सबको आपकी एड शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह इससे आपके ऑडियंस का साइज भी थोड़ा ब्रॉड ही रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ से ऑल लैंग्वेजेस को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा एड प्लेसमेंट में एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, यानी आप फेसबुक खुद देखेगा कि आपकी एड वो किन जगहों पे शो करवाए, फेसबुक पे शो करवाए, ये इंस्टाग्राम पे शो करवाए, या किन लोकेशंस पे अगर आप एड आपकी शो करवाएगा फेसबुक, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो फिर फेसबुक उन जगहों पे आपकी एड ज्यादा शो करवाएगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके ना मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हो, यानी आप खुद से प्लेसमेंट सिलेक्ट करो। ये देखिए, अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप जो कहाँ पे ऐड शो करवानी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अगर सिर्फ फेसबुक पे करानी है, तो सिर्फ फेसबुक फेसबुक को ऑन रहने दे, बाकी सबको ऑफ कर दे। और अगर फेसबुक के साथ आपने इंस्टाग्राम पे भी करवानी है, तो दोनों को ऑन कर दे। ठीक है, इस तरह से। और फिर आप नीचे से यहाँ पे प्लेसमेंट पे जाके अगर आपने फीड्स में शो करवानी है, तो आप फीड्स को ऑन रहने दे,
और स्टोरीज या रील्स पे करवानी है तो कभी ऑनलाइन दिन, मीन्स आपने जिन जिन प्लेसेस पे प्लेयर्स को शो करवाना है उनको ऑनलाइन दिन दें, और जिन पे नहीं शो करवाना उनको ऑफ कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी सारी ब्रांड सेफ्टी और सुटेबिलिटी क्या होता है, ब्लॉक लिस्ट क्या होता है, कंटेंट टाइप एक्सप्लेन। अगर तो आप ये यहाँ पे देखे ना, ये हाइड होती है ऑप्शन, आप यहाँ तक कर भी ले रहे हो और नेक्स्ट जो कह रहा ये वाले ऑप्शन, फिर आप इसको खुद ओपन करके देख रहे हैं, वो पूछ रहा है कि आपने स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे अपनी ऐड को शो करवाना है। तो अब डिवाइसेस में हम ऑल डिवाइसेस सिलेक्ट हुआ है कि हर एक डिवाइस के ऊपर आपने हमने अपनी दिखानी है ऐड, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो पीसी हो या लैपटॉप हो, किसी भी चीज़ पर। तो अगर कस्टमर फेसबुक को देख रहा है या इंस्टाग्राम को देख रहा है तो उसकी हम उसको हमारी ऐड शो हो जाए, ठीक है। और सिर्फ उस वक्त आप जब ऐड शो करवा रहे जब वो वाईफाई से कनेक्टेड है, या फिर उस वक्त भी जब वो मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं या कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन यूज कर रहा है, तो हमने सिर्फ ओनली विद वाईफाई, वाईफाई के साथ सिर्फ नहीं करवा रही, तो इसलिए यहाँ पे नो पे है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए स्किपेबल एड्स, जैसे हमने देखा कि यूट्यूब पे एड्स आ रही होती है तो कुछ सेकंड्स के बाद उसके ऊपर स्किप का ऑप्शन आने लग जाता है, तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो मतलब हमने यहाँ पे स्किपेबल एड्स को एक्सक्लूड कर देना, मीन्स के जहाँ पे जो आपने मोस्टली देखा होगा जो स्किपेबल एड्स होती है ना, वो जैसे ही आती है 3 सेकंड गुजरते हैं हर कोई इसको स्किप कर देता, कोई इसको देख नहीं रहा होता, तो हमने स्किपेबल एड्स में अपनी एड को शो नहीं करवाना, ठीक है। और अगर आप चाहो तो स्किपेबल में भी शो करवा दो, तो यहाँ पे आप को सिलेक्ट कर सकते हो दोनों में से कोई भी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब ना हमारी क्लास का टाइम कम रह गया, तो ये जो मैंने ऑप्शंस कल बताई थी, ये बताने की दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि मैं आगे चलूँ? अगर तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदरवाइज फिर मैं आगे काम करवाती हूँ आपको, जो आज का हमारा मेन है इंस्टेंट फॉर्म जनरेट करना। ठीक है, हम ना यहाँ पे आएंगे एड लेवल पर, और यहाँ पे अब हमने मेनली अपनी जो एड है ना उसको डिजाइन करना है कि लोगों को वो एड कैसी नजर आएगी, ठीक है। इसमें पार्टनरशिप एड, एक तो मैंने आपको कल बता दिया था कि आप अपने से जो जो आपके साथ के अलावा जो डिफरेंट और ब्रांड्स है या और बिजनेसेस है उनके साथ आप कोलेबरेट करके इकट्ठे एड रन कर सकते हो, तो फिर उस एड में आपके अलावा दूसरा जो बिजनेस है ना उनका वो भी मतलब उनका नेम वगैरह या लोगो वगैरह भी हेडर में शो होगा। तो इस तरह से ये है कि मतलब कोलेबोरेशन में आप एड को रन कर सकते हो, मतलब दोनों की एड इकट्ठी रन हो जाएगी। अगर तो आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो फिर आप इस पर क्लिक करके उसके साथ कोलेबोरेशन एड भी रन कर सकते हो, पार्टनरशिप एड, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऑफ ही रहने दें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे ना उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपके आपके एड्स जो है ना, सॉरी मैं दरमियान में बोल ही नहीं, मेरा गला भी कुछ खराब हुआ है इस वजह से, तो मैंने खामोशी से कर दिया था काम। अब ये देखिए यहाँ पे अगर ना आपने अपनी ऐड को इंस्टाग्राम पे भी शो करवाना है, तो आप देखिए उसके लिए आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ पे वो कनेक्ट किया है अपना अकाउंट। अगर तो आपने एक पेज से कनेक्ट किया हुआ है ना, तो वो वाला फिर दोबारा से दूसरे पेज के साथ नहीं कनेक्ट होगा, तो फिर मैंने दूसरा वाला कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हमने अपनी ऐड के अंदर ऐड को किस फॉर्मेट में शो करवाना है, तो हमने सिंगल इमेज शो ऐड के अंदर शो करवाना है, या वीडियो, एक वीडियो शो करवानी है, या फिर कैरोसेल। कैरोसेल मैंने आपको कल बताया था कि इसमें मोर देन वन इमेजेस होते हैं, वो कल में हमने करके भी देखे थे ना ऐड, तो वन आप 10 तक एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा 10 इमेजेस वो एक ही ऐड में शो करवा सकते हो कैरोसेल के थ्रू। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिंगल इमेज पे ही रहने देंगे, और एक सिंगल इमेज जो है ना वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, और ये एक इमेज मैंने किया हुआ पहले का बना के रखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ना यहाँ पे हेडलाइन देनी है कि हमारे इमेज के अंदर एक लाइन शो होगी, वो लाइन हमने कोई भी अच्छे से सिलेक्ट करनी है, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अब मैंने ना कुछ पहले से लिख के सेव की हुई है, मैं वो ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगी, आप ना चैट जीपीटी से लिखवा लिया करिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक प्राइमरी टेक्स्ट दे रहा है, वो भी मैंने लिख के सेव किया हुआ है, मतलब तो अपने पास लिखा हुआ है पहले से, तो मैं वो वाला कर लेती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट होता है ना, इसको बहुत ज्यादा आपने लंबा नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाइनों तक ही होना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है,